नमस्कार सिंह राशि कर्तकों, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग रहेगा 14 मई 2023 रविवार का दिन है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष आज नवमी और दसवीं तिथि है। नक्षत्र है आज के दिन सतभिषा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। शुभ योग नामक योग रहेगा और आज का सूर्य उदय सुबह 5:26 पे और चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी कुंभ राशि पे और आज का राहु काल का जो समय रहेगा दोपहर 2:03 से लेकर शाम 3:15 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के सिंह राशि के दैनिक राशिफल की और ये प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। तो सिंह राशि वालों आज के दिन ठीक है लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा है। करियर में लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें, लापरवाही थोड़ा टेंशन देगा और कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा रहा है। ऐसे में धैर्य बनाए रखें, मित्रों को सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बड़ी परिश्रम है। क्रोध में आवेश में आकर कोई भी काम करे वरना निराशा असंतुष्टि का भाव रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, बेवजह क्रोध से विवाद से आज आपको बचने का प्रयास करना होगा। आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा टेंशन है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, मित्रों के साथ कुछ संभव है कि आप समय व्यतीत कीजिए तो सुख दुख आपके आते जाते भी रहेंगे। यकीन मानिए यहाँ पर अच्छा लगेगा, ससुराल पक्ष से कोई अच्छा शुभ समाचार मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, मकान दुकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो लाभ होगा। अगर आपने किसी से धन उधार लिया तो आज आपको लौटाना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ याद रखें जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय को लेकर संभव है, अपनों का सपोर्ट मिलेगा। वाणी के प्रयोग पर हर संभव आज आपको कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण बनाए रखना होगा। माँ का सपोर्ट मिलेगा, जो विद्यार्थी हैं शिक्षक के मामले में सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखिए, अच्छा रहेगा। ऐसे दोस्तों से दूर रखिए जो आपके लिए समय बर्बाद करें, टाइम पास करें, और आज टेलीविजन मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। घर परिवार में फोकस करें, पढ़ाई पर फोकस करें और आज खुद वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतें। निर्धन को आज के दिन दान जरूर करें, भोजन जरूर खिलाएं। साथ ही आज पेट की दांत की समस्या भी आज आपको परेशान कर सकती है और कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा टेंशन होगा, लेकिन कूल माइंड रखिएगा तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। कुछ चीज़ों को लेकर जीवन साथी आज आपसे झूठ बोल सकते हैं तो आपकी भावनाओं को आहत करेगा, यह बात आपके दिल में आप अपने दिल से न लगाएं। आज ग्रहों की चाल कहती है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, आशीर्वाद मिलेगा बड़ों का और सतर्क रहिए, खासकर किसी से लेन देन करिए मत करिए। व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं तो तैयार रखिए, पहले से ही स्टाफ पर कड़ी नज़र बनाए रखें। अच्छे बातचीत के जरिए हर किसी का दिल जीते आज के दिन, लेकिन धन उधार लेन देन से संभव है कि बचिएगा, किसी पर भरोसा ना करें और आज जो अविवाहित है तो उन्हें बाहर निकलिए, मेलजोल बनाए रखिए। संभव है सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से के दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, उसके लिए आप तैयार रहिए। माता पिता के आशीर्वाद से भी आज आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। जो विद्यार्थी अच्छा रहेगा परीक्षा में लाभ होगा और कोई भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, अनबन दूर होगी बातचीत के जरिए और साथ ही अच्छा वक्त मिलेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। बौद्धिक कार्यों में भी आज आपको मान सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डगमगा रहा है, आज आपको कुछ मामलों में अच्छा दिखेगा। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, परिवारजनों के साथ टेंशन दूर होंगे, किसी को जरूरत से ज्यादा उधार ना दे आज के दिन। आज आपका जो शुभ रंग रहेगा यहाँ पर सफेद, भाग्य साथ निभा रहा है 65%, भाग्य अंक रहेगा 2 और आज आपको यानी कि कहने का मतलब है सावधानियां जरूर बरतनी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।